क्या आप रिहाप्टिन टैबलेट ले रहे हो और सोच रहे हो कि इसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सही वीडियो का चयन किए हो। आज हम इस वीडियो में रिहाप्टिन टैबलेट के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन बताएंगे। इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या डोज है, कब कब खाना है और सावधानियां क्या है, इसी वीडियो में देंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरंजन कुंडू, आपका हम सफर और फार्मासिस्ट। आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जे रिहाप्टिन टैबलेट का फायदा क्या है। ये मुख्य तो लीवर संक्रांत कोई भी बीमारी हो उसके लिए बहुत लाभदायक है। जैसे कि लीवर में सूजन आ गया है, लीवर में टॉक्सिन पदार्थ जमा हो गया, फैटी लीवर हो गया यानी चर्बी जमा हो गया, उसमें सूजन आ गया है, आप खाना पीना बराबर नहीं खा पा रहे हो, पाचन का भी प्रॉब्लम हो चुका है, आपको पेशाब पीला आने लग गया है, आंखों का जो रंग है पीला पड़ने जा रहा है, आपको कोई भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लीवर का काफी प्रॉब्लम हो चुका है, तो इस टैबलेट आपके लिए बहुत फायदाजनक हो जाए। तो आप बोलोगे भाई इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो इसमें थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी देखा गया है। अगर आप इसको जो ये टैबलेट लेते हैं साथ में अगर वाइन का सेवन करते हैं तो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये वार्निंग का तौर पे आप समझ लीजिए। इस टाइप का दवाई का साथ कभी भी अल्कोहल का सेवन ना करें। और जो लोगों को ये दवाई खाने के बाद किसी किसी को उल्टी हो सकता है, मितली भी हो सकता है, कभी कभी छोटे छोटे एलर्जी या दाना शरीर में हो जाता है, तो अगर ये 2-3 दिन का अंदर अंदर ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट है। फिर भी अगर ये ठीक नहीं होता है तो आप स्टॉप कर दीजिए दवाई और डॉक्टर के पास जाके आपका प्रॉब्लम बताइए। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आपको सर में भी दर्द हो सकता है, आपको डिजीनेस धुंधलापन नजर आ सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, तो इस केस में भी इस दवाई को आप बंद करें और डॉक्टर के पास जा। इसका मैन्युफैक्चरर है मैनकाइंड फार्मा और इसका कीमत है 300 रुपीज। अगर आप इंडिया से बाहर इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑनलाइन में परचेस करना चाहते हो, आपका वहां मिलता नहीं है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में इस परचेसिंग का बाय लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज वहां से भी खरीद कर सकते हो। तो आप बोलोगे भाई इतना बढ़िया दवाई है तो थोड़ा सा इसका कंपोजिशन भी बता दीजिए। जी हाँ, इसमें मेटाडॉक्सिन 500 mg है, पाइरोडॉक्सिन 3 mg है, फोलिक एसिड 1.5 mg है, एल ऑर्निथिन एल एस्पिरेटेट 150 mg है मिला के, सिलीमरीन है 140 mg। तो आप समझ सकते हो ये अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर्म में है और लीवर के लिए काफी उपयोगी भी है। अभी बात आते हैं जब इसका डोज क्या है, किस टाइम में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। देखिए इसका डोज है, आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे नॉर्मल केस में इसको सुबह शाम कुछ खाने का बाद दिया जाता है और इसको आप नॉर्मल पानी का साथ निकाल ले, इसको तोड़े ना चबाए, पानी का साथ पूरा निकाल ले और डॉक्टर का देखरेख में ये दवाई लेना चाहिए। डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो कितना दिन लेना चाहिए और इसको कब स्टॉप करना चाहिए। कुछ सावधानियां भी है, जरूर है, जे आप अल्कोहल का सेवन इस टाइम में आप ना करें जब ये दवाई आप ले रहे हो। जो लैक्टेशन मदर है, प्रेग्नेंट वोमेन है, किडनी का भी क्रॉनिक डिजीज वाले हैं, वो लोग अगर लेना चाहते हो तो आप प्लीज डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और अपना पूरा के पूरा हिस्ट्री बताएं। अभी हम आ जाते हैं इसका FAQ। इससे पहले लीवर का बारे में भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए, एक जो वीडियो है 1 मिलियन का तरफ जा रहा है, ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, LIP-52DS के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। और दूसरा वीडियो है LIP-52 सिरप ले और टैबलेट ले, प्लीज ये वाला वीडियो देख लेना। कई लोग पूछते हैं क्या ये खाली पेट में लिया जा सकता है? नहीं, नॉर्मल केस में डॉक्टर इसको खाली पेट में नहीं देते, कुछ खाने का बाद ही ये दिया जा सकता है। कई लोग पूछते हैं क्या ये लेने के बाद हम गाड़ी चला सकते हैं, कोई सर में चक्कर तो नहीं आ जाता? हाँ जी, ये सर में चक्कर आ सकता है, इसलिए बेटर ये होगा आप दवाई लेने का बाद 1-1.5 घंटा आराम कर लीजिए, आप देख लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फिर जाके आप भारी मशीनरी या ड्राइविंग कर सकते। कई लोग पूछते हैं दवाई कितना दिन खाना चाहिए? देखिए ये टोटली आपका बीमारी का जो स्थिति है और आपका इम्यूनिटी पावर के ऊपर डिपेंड करता है और डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो कितना दिन लेना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि ये हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन तो नहीं है? नहीं, ये हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन नहीं है, क्योंकि ये लंबा टाइम के लिए नॉर्मली नहीं दिया जाता है, डॉक्टर का देखरेख में कितना दिन लेना चाहिए डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। आशा करता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाए और अपना कमेंट्स लिखे। हमारा और एक चैनल है जो हेल्थ रिलेटेड है,
नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, नाम है हेल्दी माइसेल्फ, प्लीज वहां जाए और लेटेस्ट वीडियो पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।